आज इस वीडियो में हम लोग ब्लेंडर ट्यूटोरियल करेंगे। हम लोग क्या बनाने वाले हैं सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। आज हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं। जैसे आपने देख लिया ये लूप है और ये नियॉन लाइटिंग की तरह बनाया वीजे लूप है ये। और इसमें बनाने के लिए हम लोगों ने ब्लेंडर 3.3 का इस्तेमाल किया है, कुछ ऐड ऑन यूज़ किए हैं। तो चलो सबसे पहले वही सब चेक कर लेते हैं। तो ये ब्लेंडर 3.3 है, हम लोग फ्लैश सीन करते हैं। पहले मैं अपना वीडियो के ऑफ कर देता हूँ वीडियो। तो ये ब्लेंडर 3.3 है, यहाँ पर हम लोगों ने काम करने के लिए कुछ ऐड ऑन्स का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम एफर्ट डाल के आउटपुट निकालना। इस चीज़ पर ध्यान देना, क्योंकि जो नया यूज़र होते हैं, जो अभी नया नया स्टार्ट करते हैं, उसमें अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर सीन बना दो तो फिर इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम एफर्ट पे एक आउटपुट कैसे निकाला जाए, उस चीज़ के ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल बनाना। तो इसके लिए मैंने ऐड ऑन्स यूज़ किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो ऐड ऑन यूज़ करने वाले हैं वो उसको लोड कर लेते हैं। तो प्रेफरेंसेस में जाके ऐड ऑन्स जाना है। तो सबसे पहले ऐड ऑन्स में जाके हम लोग को टाइप करना है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा टाइप करते हैं हम लोग को, सबसे ये दो ऑप्शन नज़र आएंगे, कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट, मैश एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। फिलहाल हम लोग कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं, पर आप दोनों लोड कर सकते हैं क्योंकि ये काम आता ही रहता है। और एक हम लोग जो यूज़ करेंगे ऐड ऑन, जो एक्चुअली हमेशा से ऑन रहना ही चाहिए, हम लोग को यूज़ पड़ता ही रहता है, वो है नोड रैंगलर, जो हम लोग को शेडिंग के वो काम आएगा। तो नोड रैंगलर ये ऐड ऑन आपको सबसे पहले ऑन करना है इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए। तो अभी ये फ्रेश सीन है, एक ये डिफ़ॉल्ट क्यूब है जिसको आप डिलीट कर सकते हो। फिर आपको कर्व्स में जाना है और कर्व्स में नॉट्स, उसमें सबसे नीचे वाला जो है, सबसे नीचे वाला जो डिसेबल नहीं है, वो है ब्रेड नॉट्स करके है, हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन अजीब सा हो। तो उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इसके ऑप्शंस नज़र आएंगे। जब क्लिक ओपन करोगे तो न्यू ब्रेड्स करके जो आएगा, तो यहाँ से अभी हम लोग को इसको लुक, इसमें ब्लेंडर में एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी नए ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं उसके जो ये ऑप्शन आते हैं ये सिर्फ एक ही बार आते हैं। तो आपको जो करना है अभी करना है, इसके बाद अगर आपने एक बार सेट करने के बाद काम शुरू कर दिया तो ये वापस आपको नहीं मिलेगा, ये एनिमेट भी नहीं हो सकते। तो जैसे जो आपको बनाना है अभी करना है। तो सबसे पहले ये एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं ताकि ये पॉइंट्स जो हमको दिख रहे हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली हमारा फाइनल जो मैश है वो दिखाई दे रहा है। अब इसके हम लोग इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट है इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से कैसा भी बना सकते हैं। मैं भी आपको ये दिखा रहा हूँ जो मैंने किया था उस टाइम का, मुझे ऐसे कोई सेटिंग याद नहीं है, मैं अपने हिसाब से करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा उन अलग दिखाई देगा वो तब, और हर बार बनाओगे ये अलग ही नज़र आएगा, ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। तो आपको विजुअली जो अच्छा लगता है आपको वो करना है। तो यहाँ पे ये स्टैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, साइज देखेंगे तो इस तरीके से ये साइड्स कितने आपके होने चाहिए, तो ज़्यादा ये रेडियस है, ये थिकनेस जो आपका शेप है जो उसकी थिकनेस है, और ये विड्थ, लेकिन ये एक्चुअली ये हाइट है। ये ज़्यादा ना रख के थोड़ा सा ही रखते हैं कि हमको फ्लावर जैसा थोड़ा फील देना है। बहुत ज़्यादा साइड्स हो गए हैं, स्टैंड्स भी कम रखते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा फाइनल करने के बाद
जैसा मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, ये ऑप्शन चला गया। अब ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, अब हमको इसी पे काम करना है। यहाँ पे आप लाइट डिलीट कर सकते हो, ये किसी काम का नहीं है क्योंकि मेरे को नियॉन करना है, तो वो सेल्फ ग्लो होता है तो उसमें लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम लोग को क्या करना है, क्योंकि ये कर्व्स हैं तो इसका कर्व ऑप्शन में जाना है, या ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आपको कर्व सेक्शन जो मिल रहा है, ये जो कर्व जैसा बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद ज्योमेट्री में, तो यहाँ आपको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देना है और ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बेवल कर देना है। आप यहाँ से जेड को क्लिक करके टॉप मोड पे आ सकते हैं, और फिर ये जो शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो, जो भी आप यहाँ पे जाके हाँ ये रहा अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस नमपैड ज़ीरो। आप इसको क्लिक करके अपने कैमरे को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो ये हमारा कैमरा सेट हो गया, लेकिन अभी हम लोग पूरा फुल फ्रेम में मैच नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक एरो को क्लिक करना है, व्यू में जाना है, कैमरा सिलेक्ट कर लेना है, वापस जाके जेड एक्सेस में पीछे ले लेना है, तो ये हमारे कैमरे में फिट हो। जो एनिमेशन है इसका, उसके जो ब्यूटी है, जो जो ऑप्शन से वो एनिमेशन मिला है, वो ये ऑफसेट है। इस ऑफसेट को जब एनिमेट करोगे तब तो वो आपको वो एनिमेशन मिलेगा जो मैंने एनिमेशन किया है। तो मेन जो एनिमेशन का जो है पैरामीटर है वो एक ही है, वो है ये वाला, इसी को हमको एनिमेट करना है। अभी ये -1 से लेकर 1 तक ही जा रहा है, पर ऐसा नहीं है, इसको अगर जाना है तो हम लोग डायरेक्टली -3 टाइप करके जा सकते हैं। तो इसको अभी एनिमेट कर लेते हैं हम लोग, तो ये -5 ठीक दिख रहा है। मुझे 250 तक जाना है तो मैं इसको फिलहाल 125 पे आके एक अच्छा फ्रेम टू थ्री, ये 3 में डिज़ाइन अच्छा दिख रहा है, इसको की करेंगे और वापस 250 शिफ्ट और राइट एरो की करेंगे तो हम लोग लास्ट फ्रेम में आ जाएंगे। तो हमको लास्ट फ्रेम में आना है, या फिर यहाँ आप टाइप कर सकते हो 250, तो आप लास्ट फ्रेम में आ जाओगे। फिर वहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फ्रेम था, जो था -5, उसको फिर क्लिक करना है। तो शिफ्ट फर्स्ट फ्रेम लास्ट फ्रेम को अगर आप क्लिक करोगे तो आपका सेम है, तो ये लूप हो जाएगा। तो ये प्ले करते हैं हम लोग, तो ये हमारा एनिमेशन हो चुका है, बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता इसके लिए बहुत ज़्यादा किसी को थोड़ा बहुत भी आपको इंटरफेस यूज़ करना आता है तो आप इतना तो आराम से कर लेंगे, और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। अब बाकी आपकी शेडिंग के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि आपको कैसे करना है। फिलहाल मैं जो नियॉन स्टाइल में कर रहा हूँ, क्योंकि आउटपुट में आपको दिखा चुका हूँ एक ऐसा आउटपुट है, लेकिन आप चाहो तो इसको पीछे वाइट बैकग्राउंड रख के इसको ब्लैक कर सकते हो, और वैसे करके रेंडर भी कर सकते हो, तो फिर वो एक अलग लुक देगा वो। तो जैसा चाहो, जैसा आपका इसको चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो। अब इसको हम लोग शेडिंग करते हैं, तो शेडिंग करने के लिए एक नया, हम लोग इसको यहाँ पे अगर नीचे एरो करेंगे तो हम लोग यहाँ से एक नया विंडो ओपन कर सकते हैं। नीचे तो ऊपर मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, यहाँ से मैं ऊपर ले लेता हूँ, और यहाँ से शेड एडिटर, तो ये हो गया शेड एडिटर। तो यहाँ पर ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में व्यू पोर्ट सेटिंग शेडिंग में लास्ट वाला जो है वो रेंडरिंग के लिए है,
तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि हमको फाइनल रेंडर नज़र आए, क्योंकि लाइट है नहीं इसलिए ये एकदम फ्लैट दिख रहा है। पर ये ग्रे इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है, यहाँ जाओगे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में, ये जो हमारा कलर एनवायरनमेंट का वो ग्रे है, इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं। तो अभी क्योंकि लाइट नहीं है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट भी ग्रे, वो अपना ब्लैक हो चुका है, तो अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है जैसा हमको चाहिए था। हमने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया न्यू अपने मटेरियल के लिए, ये हमारा मटेरियल आ गया। पर हम लोग को प्रिंसिपल PSDF नहीं चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे हैं, मेटेलिक है, स्पेकुलर है, ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको खाली एमिशन चाहिए, चूँकि वो सेल्फ ग्लो करे वो मटेरियल चाहिए। तो उसके लिए ये शेडिंग नहीं चाहिए किसी भी चीज़ का, क्या मेटेलिक रिफ्लेक्शन ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए शेडर में जाके एमिशन शेडर होता है जिसमें और कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ कलर और स्ट्रेंथ, सिर्फ इतना ही ऑप्शन रहता है। और ये रेंडर भी फास्ट होता है, तो आपको एमिशन कर देना है। तो यहाँ आएगा और आपको रेंडर सेटिंग यहाँ पे जाके EV यूज़ करना है आपको, और ब्लूम सेटिंग ऑन कर देना है ताकि वो ग्लो एक फीलिंग आ जाए। यहाँ इसको हम लोग ये इसको ऑफ कर सकते हैं ताकि हम लोग को ये अच्छे से नज़र आए। अब ये एकदम फ्लैट कलर हो गया है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा ब्रेकअप चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कुछ टेक्सचर डालते हैं। तो फिलहाल ब्रिट टेक्सचर ले लेता हूँ मैं, अपने कोई भी टेक्सचर यूज़ कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको नया लुक आएगा, नई चीज़ें मिलेंगी। तो अब क्योंकि आपने नोड रेंडर डाला हुआ है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट दबा के अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप व्यू कर सकते हो कि कैसा दिख रहा है, क्योंकि एमिशन शेडर के थ्रू नहीं जा रहा है तो ये डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहा है कि कैसा है। जब फाइनल रेंडर करेंगे तो हम एमिशन थ्रू के जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको चेक आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम लोग उसको डायरेक्टली एमिशन में ही करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो और तो कुछ है नहीं शेडिंग में, तो भी हम लोग को सेम ही मिलेगा। बस हम लोग को यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक एक्स्ट्रा ओपो मिल जाता है कंट्रोल। लेकिन अभी इसको मैं कुछ भी करूँगा, ये एक क्या कहते हैं कर्व्स है, तो कर्व्स में जो ज्योमेट्री का UVs और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो इसके लिए हम लोग को इसका नोड जो टेक्सचर कोऑर्डिनेट है वो चेंज करना पड़ेगा। ये जो अभी ऑप्शन आया वो Ctrl+T प्रेस करने से आया है, तो Ctrl+T प्रेस करने से हमको ये ऑटोमेटिकली ये दो मैपिंग जुड़ के मिल जाती है। आप इंडिविजुअली वैसे ऐड करके मैपिंग ऐड करके सब कर सकते हो, नहीं तो नोड रेंगलर इसलिए ऑन किया हुआ है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसके लिए कंट्रोल इसको सिलेक्ट करके Ctrl+T प्रेस करना है। अब फिर इसमें हम लोग को कहता है टेक्सचर कोऑर्डिनेट में, अभी जनरेट में तो हम लोग को ऐसा मिल रहा है कि ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा हमारे हिसाब से। तो इसमें जो हम लोग को बेस्ट जो मेरे को आउटपुट मिला है वो है नॉर्मल में। तो एक बार हम लोग नॉर्मल में डालते हैं तब आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील आना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं लगता कि आपका एक ही जगह पर स्टिक हो रहा है। लेकिन उसके लिए अभी हम लोग को काफ़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एक क्रिकेट फील भी ऐसा दे सकते हो, इससे एक अलग स्टाइल का आएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको स्मूथ रखते हैं, ये सबका डिवीजन थोड़ा बढ़ा दो ताकि रेंडरिंग के वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। इनका भी रेजोल्यूशन अप कर दो और ये एक्सट्रूड को थोड़ा सा बढ़ा दो। तो इसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा अपने लुक के हिसाब से फील लाने के लिए। इसको हम लोग रेड कर लेते हैं, इसको हम लोग
ब्लू, देखिए कैसा आ रहा है, और फिर ग्लो ऑन। ब्लू को ब्राइट कर देते हैं ताकि दोनों हम लोग को अच्छे से मिले। अभी ये काफ़ी स्टैटिक लग रहा है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अपना टेक्सचर है मैपिंग कोऑर्डिनेट, यहाँ पर हम लोग इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, मूवमेंट आ जाएगी। जैसे मैं इसको कर रहा हूँ, देखो कैसी मूवमेंट आ रही है। तो इसके लिए क्या, इस एक बात का ध्यान रखना, ये सब करते हो कि हम लोग को लूप लूप है तो ये लूप के हिसाब से होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट और लास्ट फ्रेम मैच हो, इसके लिए फर्स्ट फ्रेम पे आना है। फर्स्ट फ्रेम पे आके यहाँ पर राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम, आपका की फ्रेम हो गया। फिर आपको लास्ट फ्रेम में जाना है और यहाँ पर 360 राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम। तो इसके बाद जब आप प्ले करोगे, इस तरीके से आपका ये लुक एंड फील आ गया। आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो वीडियो बनाया है और इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो यही चीज़ है, इस बार इसमें हर बार आपको एक नया ही मिलेगा। आप इसमें अगर आप इसकी जगह ब्रिक टेक्सचर की जगह कोई और अगर आप यूज़ कर लोगे टेक्सचर और कलर चेंज करोगे, तो आपको कुछ नया ही आउटपुट मिल जाएगा। तो इसमें ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, और आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हो कि आपको ये नहीं, एमिशन की जगह दूसरा कुछ यूज़ करना है और कुछ अलग ही लुक लेके आना है, नियॉन फील नहीं देना है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो और आपको यहाँ पे स्केल अगर चेंज करोगे तो आपको बहुत ही डिफरेंट फील आएगा। शिफ्ट दबा के करना है ताकि थोड़ा स्लोली आप चेंज करोगे, तो बहुत जल्दी ये अपना पैरामीटर चेंज करता है। तो अपने हिसाब से पूरा लुक एंड फील आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ कुछ और आ गया है तो ऐसा नहीं चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा थिक हो गया चीज़ों के, तो अब यहाँ से आप इसको थिन भी कर सकते हो, एक्सट्रूड कम कर सकते हो। तो काफ़ी कंट्रोल है ये बनाने में। अभी बीच में आपको बंद लग रहा है क्योंकि वो प्ले होने की वजह से रियल टाइम प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। इस वजह से आप इसकी रेंडरिंग, इसको आप, ये जो सेटिंग है मेरी, इसको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना, क्योंकि ये स्केल और टेक्सचर और बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अपने हिसाब से आपको जो फील होता है उसको ट्रायल एंड एरर करके वो बनाना। अभी इसके रेंडरिंग के हम लोग बोल ये चेक कर लेते हैं। तो रेंडरिंग के लिए मैंने कोई ज़्यादा सेटिंग चेंज नहीं की है, जैसा डिफ़ॉल्ट है उसको ही रखा है मैंने, कुछ नहीं किया। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो आप यहाँ पे लुक को मीडियम कॉन्ट्रास्ट या हाई कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी ये काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस होगा नहीं इसमें। तो बाकी सेटिंग सब कुछ है, थोड़ा बहुत आप रेंडर अगर आपको लगता है कि थोड़ा जिटर आ रहा है कुछ आ रहा है, तो ये रेंडर यहाँ से बढ़ा सकते हो आप। बाकी आप यहाँ पे आके अगर आप इसको MP4 में अगर रेंडर करने वाले हो, तो इसको आप, आपका जो भी फ्रेम रेट पे करना है 24:25 उसमें करके, उसके बाद यहाँ पर आप लोकेशन यहाँ पे दे सकते हो, क्योंकि मैं इससे पहले बना के रेंडर कर चुका हूँ, इसलिए मैं रेंडर नहीं करूँगा। और यहाँ पे आप FFmpeg वीडियो करके MP4 एंटर कर सकते हो आप, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको PNG रेंडर करने के लिए, क्योंकि
क्योंकि इससे फिर आपको बीच में अगर रेंडर बंद हुआ या कुछ भी हुआ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाद में आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वहाँ जाके आप इसको रेंडर कर सकते हो, उसको वापस सीक्वेंस को लोड करके फाइनल रेंडर कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्ट MP4 भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत लाइट है, फटाफट रेंडर होता है, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगता है खाली एक फ्रेम को रेंडर होने में, वो भी HD फ्रेम का। यहाँ आप देख सकते हैं HD फ्रेम है ये, अगर मैं इसका एक रेंडर करूँ तो ये देखिए 1 सेकेंड में रेंडर हो गया। ये काफ़ी, अगर आपको लो रेस ऐसा जैसा दिख रहा है इसमें दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ये सब आपको रेंडर सबको बढ़ाने पड़ेंगे, सेटिंग्स तो ये सबको बढ़ा के आपको रेंडर को चेक करना पड़ेगा कि वो कैसा दिख रहा है फाइनल रेंडर के लिए। और एक चीज़ है कि रेंडर होने के बाद आपने जो फाइनल रेंडर में देखा होगा कि उसमें दो एक तरीके के एनिमेशन है, तो वो कंपोजिटिंग भी किया हुआ है मैंने, तो मैं दावनजी में दिखा देता हूँ कि वो मैंने कैसे किया हुआ है। तो ये मेरा इमेज सीक्वेंस है जो मैं लेकर आया, इसी का डुप्लीकेट बना के मैंने लूप रिपीट किया है और उसको ऑफसेट किया हुआ है मैंने, और सेटिंग्स में जाके मैंने इसको कंपोजिट में जाके लाइट एंड मोड डाला हुआ है। मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर का तो है नहीं, बस मैं बता रहा हूँ इसको डुप्लीकेट करके मैंने इसको ऑफसेट कर दिया है। चाहिए तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा वीडियो है, इसको ऑल्ट दबा के हम लोग से डुप्लीकेट करना है, फिर एक और ऑल्ट दबा के एक और डुप्लीकेट बनाना है, और इसको छोटा करके इसको सेट कर देना है। लेकिन अभी क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही हमको, तो इस नर को सिलेक्ट करके साइड में ऑप्शन में कंपोजिट में आके यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस मोड पे कैसा फील आ रहा है। तो यहाँ पे लाइट एंड में करेंगे तो आपको सेम फील रहेगा, और आपको और यही चीज़ अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में होंगे तो आपको स्क्रीन मोड पे ये सब ये आ जाएगा। तो आप ऐसे करके और रेंडर कर सकते हो, किसी भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा कर सकते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर हो, ये आप कर सकते हो रेंडर के बाद। मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं ख़त्म करता हूँ, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं ऐसे कई एब्स्ट्रैक्ट और चीज़ें बनाऊँगा, आप बताना कि ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। मैंने नया नया अभी शुरू किया है, पता है कि इतना ज़्यादा काफ़ी गलतियाँ होंगी या काफ़ी चीज़ें होंगी जो शायद जल्दी बोल गया या स्किप कर गया, तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैंने क्या चीज़ें, मैं इसको और कैसे इम्प्रूव करूँ, और क्या क्या चीज़ें मैं ऐड करूँ, या क्या चीज़ आपको लगता है कि मैं मिस कर रहा हूँ या बताने में। तो आप अपना प्लीज़ फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो आप लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना। इसमें मेरे चैनल में आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो आप जाके चेक कर लीजिए कि इसमें काफ़ी कॉपीराइट फ्री और वीडियोस हैं, का कुछ तो वो भी हैं, ई ग्रीटिंग्स भी हैं थोड़े बहुत, ज़्यादातर कॉपीराइट फ्री वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं ट्यूटोरियल्स बनाना है कि मैं कैसे बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, खासकर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ, ताकि सब लोग इसको फॉलो कर सकें और अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकें। ओके, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।